गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीसीटीवी कैमरा के अंदर क्या टेक्नोलॉजी होती है, कैसे हम इसे घर पे ही ठीक कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा सीसीटीवी कैमरा, इस सीसीटीवी कैमरे के वायर को बीएनसी कनेक्टर से बाहर निकाल लिया है ताकि इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि बीएनसी कनेक्टर के अंदर किस तरीके की वायरिंग रहती है। टोटल 5 वायर्स होते हैं जिसमें 3 कलर के वायर इस्तेमाल किए जाते हैं, रेड, येलो और ब्लैक। जो ब्लैक वायर है वो नेगेटिव वायर है, जो येल्लो वायर है वो वीडियो सिग्नल है सीसीटीवी कैमरा से जो DVR को जाता है, और जो रेड वायर है वो 12 वोल्ट की सप्लाई लाइन है। इसमें आपको दिख रहा है कि जो ब्लैक और रेड है ये जो वायर हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। टोटल 5 वायर्स हैं जिसमें रेड और ब्लैक आपस में कनेक्टेड हैं। ये दोनों सप्लाई लाइन हैं जो बोर्ड के अंदर में इस सीसीटीवी कैमरा के बोर्ड को जाती है, जो कि आगे के पार्ट में आपको क्लियर होगा कि यहाँ ये जो सप्लाई वायर है रेड और ब्लैक वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर के हाउसिंग को आप आसानी से ट्विस्ट करके खोल सकते हैं। ये केवल पुश फिट लॉक होते हैं। ये है IR बोर्ड। सेंटर में जो दिख रहा है वो कैमरा का लेंस है। ये IR बोर्ड है जो कि नाइट विजन के लिए इस्तेमाल होता है। और ये है IR सेंसर जो कि सेंस करता है लाइट को और नाइट के समय इसे ऑन करता है ताकि ये कैमरा नाइट में काम कर सके। इसे ओपन करने के लिए सबसे पहले ये रबर की जो सील है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये कैमरे को प्रोटेक्ट करती है धूल से और वाटर से, जो कि धूल और वाटर के अंदर ना जाए। देखिए जो IR बोर्ड है इसमें ये जो कनेक्टर है सप्लाई का, रेड और ब्लैक वायर है ये सप्लाई के लिए कनेक्टेड है, और जो ग्रीन कलर का वायर है ये जो IR सेंसर है उसको जाता है। लाइट को सेंस करके ये सिग्नल देता है मदरबोर्ड के, कैमरा के मदरबोर्ड को, जो जहाँ से ये जो नाइट विजन का IR बोर्ड है ये कट आउट होता है। लाइट को सेंस करके ये IR कट को जाता है जो कि ऑन ऑफ करने का काम करता है रिले के थ्रू। ये सीसीटीवी का मेन बोर्ड है जिसमें कैमरा कनेक्टेड रहता है। इसे खोलने के लिए 4 स्क्रू लगे हैं, चारों कोने पे इसे खोलना पड़ेगा। देखिए बोर्ड बाहर आ चुका है जिसमें कैमरा कनेक्टेड है। ये सीसीटीवी कैमरा का मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में आपको दिख रहा है ये कनेक्टर जो है वो सप्लाई के हैं, ब्लैक, रेड और येलो कलर का जो वायर है वो सप्लाई वायर है। और ये जो कनेक्टर है जिसमें 2 वायर हैं ब्लैक और रेड ये कैमरा को जाता है, ये कैमरा की सप्लाई है। देखिए कैमरे के अंदर जा रहा है, ये कैमरा को सप्लाई दिया जाता है यहाँ से मदरबोर्ड से। इसी के साथ देखिए ये जो रिले है IR का, जो रिले है IR रिले को जो इनपुट जाता है IR बोर्ड से वो उसका ग्रीन वायर है। और जो IR बोर्ड में सप्लाई लगी है रेड और ब्लैक कलर की वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है जो कि BNC कनेक्टर से आती है। दोनों ही बोर्ड में 12 वोल्ट की सप्लाई यूज़ की जाती है। इस बोर्ड को बाहर निकालने के लिए हमने ये कनेक्टर बाहर निकाल लिया है।
ये थ्री वायर्स का जो कनेक्टर है। और ग्रीन वायर जो है आई आर कट का जो सिग्नल जाता है जिस वायर से, उसको भी बाहर निकाल लेंगे तो ये बोर्ड हमारा बाहर आ जाएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे वायर की कंटिन्यूटी, क्योंकि कई बार जो है वायर में दिक्कत आती है, वायर में ख़राबी होती है तो भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करता है। तो इसको चेक करने के लिए हमें चाहिए मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को इस्तेमाल करने से पहले हम मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे ताकि मल्टीमीटर सही तरीके से काम कर रहा है। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी के मोड में रख लेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट पे रखेंगे, और इसके लीड से हम इसकी मल्टीमीटर को चेक कर लेंगे कि मल्टीमीटर सही तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले हम रेड वायर को की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। एक तरफ हमने मल्टीमीटर की लीड को लगा दिया रेड वायर में, और दूसरी तरफ कनेक्टर के रेड वायर में लगा के हम इसको कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, आपको मल्टीमीटर में दिखाई दे रहा है, रेड वायर बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हम दूसरा जो येलो कलर का वायर है उसको चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर में आपको बीप सुनाई देगा कंटिन्यूटी आने पर, और आपको जो एक एरो दिख रहा है उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कंटिन्यूटी टेस्ट बिल्कुल ठीक है, ये वायर भी ओके है। इसी तरीके से हम तीसरा वायर भी चेक कर लेंगे, ब्लैक वायर, उसकी भी कंटिन्यूटी हम चेक कर लेते हैं। यदि वायर में कोई दिक्कत है तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वायर में ब्रेकेज है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सीसीटीवी कैमरा का, कि बहुत ज़्यादा समय जब हो जाता था इन वायर में दिक्कत आती है, तो वहाँ पर हम कंटिन्यूटी टेस्ट से इन वायर को चेक कर सकते हैं। थर्ड वायर भी बिल्कुल ओके है। अब इसके बाद इसका जो सप्लाई है कनेक्टर है रेड और ब्लैक कलर का, टू वायर्स का जो कनेक्टर है, इसको हम अलग कर लेते हैं। और इसको हम देख रहे हैं आपको ये जो आईआर बोर्ड है पीछे से कितना गंदा हो गया, कितना डस्ट इस पे जमा है। देखिए जो कनेक्टर है उसकी पोलैरिटी फुली इंडिकेटेड है, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन बना हुआ है। ऑफ कोर्स जो कनेक्टर होते हैं वो उल्टे फिट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बोर्ड में प्लस और माइनस पोलैरिटी इंडिकेटेड रहती थी, जिससे हमें ये हेल्प मिलती है कि गलती से भी वायर जो है सप्लाई का उल्टा कनेक्ट ना हो जाए। क्लीनिंग सॉल्यूशन से इस आईआर बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। पीछे काफ़ी धूल जमी हुई है, और कई बार धूल की वजह से भी जो है कैमरे में प्रॉब्लम आती है। इस मेन मदरबोर्ड को कैमरे के मदरबोर्ड में दो स्क्रू हैं, इस दो स्क्रू को अनस्क्रू करने से कैमरा का जो लेंस है वो और कैमरा का बोर्ड है वो दोनों अलग हो जाएंगे। देखिए ये मेन पीसीबी है सीसीटीवी कैमरा की, जिसमें आपको 12 वोल्ट की सप्लाई दिख रही है, वीडियो सिग्नल
जो कि सीसीटीवी कैमरा से एचडीआर को जाता है वो भी क्लियरली इंडिकेटेड है। ये मदरबोर्ड का सीरियल नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और सेंटर में जो आपको दिखाई दे रहा है इस मदरबोर्ड में जो सेंटर पार्ट है, यहीं पे जो लेंसेज से इमेज क्रिएट होती है, जो लेंस से जो लाइट आती है यहीं पे इमेज क्रिएट होती है, और यहीं इसी सेंसर से पे डिपेंड करता है कि वो एचडी कैमरा है या फुल एचडी कैमरा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। और ये बहुत डेलिकेट पार्ट है जो सेंसर होता है इसके अंदर, जो इमेज सेंसर है उसे आपको बहुत डेलिकेटली हैंडल करना होता है ताकि उसके अंदर बिल्कुल भी धूल ना चले जाए। इसको वापस फिट कर दिया है हमने। और इस मदरबोर्ड को भी हम क्लीन कर लेते हैं क्लीनिंग सॉल्यूशन से। देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है, इसके पार्ट्स क्लियरली विजिबल आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि इस बोर्ड में प्रॉब्लम आती है तो इस बोर्ड को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। मार्केट में लगभग 200 से 250 रुपए के अंदर ये बोर्ड आ जाता है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि सीसीटीवी कैमरा के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं और किस पार्ट में प्रॉब्लम आती है, कैसे हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने खोला था इसको आप वापस इसी तरीके से फिट कर सकते हैं। इसके अंदर दो ही बोर्ड होते हैं, मदरबोर्ड और इसका आईआर बोर्ड। थैंक यू।